उत्तर प्रदेश के कानपुर सरकारी बालिका गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं इसमें 2 प्रेग्नेंट और 1 में एड्स पाया गया है। क्या है पूरा मामला देखिए। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली लड़कियों की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। कानपुर के एक राजकीय बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली लड़कियों में कोरोना के लक्षण दिख रहे थे। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब इन लड़कियों की जाँच कराने शुरू की तो पता चला कि बाल संरक्षण गृह में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियां गर्भवती है। एक को HIV है तो एक लड़की हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त है। जानकारी के अनुसार कानपुर स्थित इस राजकीय बाल संरक्षण गृह की 57 लड़कियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इन लड़कियों को कोरोना के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने जांच में पाया कि 2 17 साल की लड़कियां गर्भवती है। प्रेग्नेंट होने के साथ ही एक लड़की HIV और एक हेपेटाइटिस सी से संक्रमण से ग्रसित है। प्रशासन ने अब इस बालिका गृह को सील कर दिया है, साथ ही यहाँ के स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। डॉक्टरों ने गर्भवती लड़कियों के बारे में जब पुराने रिकॉर्ड के लिए संपर्क किया तो अधिकारियों के पास कुछ था ही नहीं। अधिकारियों का कहना है कि कब बालिका गृह आई इसकी जानकारी नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है। ऐसे में फिर से इस तरह की घटना का सामने आना जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाने की ओर संकेत करता है। सरकारी बाल संरक्षण गृहों में ऐसी अमानवीय घटनाओं का होना सीधे सरकार पर निशाना दागती है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज़।